हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विंडोज 7 है वो ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। यदि आप अपने पीसी में या लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम इशू आ गया या विंडो प्रॉब्लम आ गई है, तब आप मार्केट जाते हो, मार्केट के अंदर आपको विंडो है वो कॉपी नहीं मिल पाता, या आपको मार्केट के अंदर पेन ड्राइव है वो ब्यूटेबल करके नहीं देते हैं, या आपके पैसे लगते हैं, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आप घर बैठे भी है विंडो 7, विंडो 10 वो है डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। और डाउनलोड करने के बाद यदि आपको पेन ड्राइव को ब्यूटेबल करना नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, इसे आप जाके वो आराम से पेन ड्राइव को ब्यूटेबल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम लोग है ऑनलाइन है वो विंडो 7 है कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को है वो अंत तक देखिए, बीच में स्किप न करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपको साइट बताऊंगा उस साइट से आप विंडो 7 के साथ साथ है वो विंडो 10 भी है वो डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पीसी के अंदर है वो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करना है, और गूगल के अंदर आपको सर्च करना है GET गेट TINTO2PC ये लिख के सर्च करना है, और जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट आता है, जो पहला रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आपको ओपन करना है। तो कुछ ऐसा है वो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगा GET INTO PC। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो फ्री हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, मुझे क्योंकि विंडोज 7 डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडोज स्पेस 7 अल्टीमेट ULTIMATE अल्टीमेट, और मैं गो कर दूँगा, सर्च कर दूँगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो इनमें से जैसे मुझे 1 ईयर के लिए चाहिए तो मैं इस पर वो क्लिक कर दूँगा। अब आपको उसमें बिट का ऑप्शन भी मिलता है कि आप कौन से बिट के अंदर वो डाउनलोड करना चाहते हो। तो ये देखिए आपके सामने है, 32 बिट में करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है, यदि 64 बिट के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला क्लिक करना है। तो मुझे है वो 64 बिट में डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके विंडो की जो इमेज होती है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले से ही विंडो 7 की वो है फाइल है वो डाउनलोड की हुई है। तो आप है वो उसको कर सकते हो, 2.8 GB की आपको फाइल मिलेगी, और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप है वो डाउनलोड करके पेन ड्राइव को ब्यूटेबल कर सकते हो। यदि आपको पेन ड्राइव को ब्यूटेबल करना नहीं आता है तो वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वीडियो देखिए और पेन ड्राइव को ब्यूटेबल करिए। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, धन्यवाद। तो ये मेरे डाउनलोड की हुई है, मैं आपको चेक करा देता हूँ किस टाइप से वो डाउनलोड होगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये रहा, ये रही है, ये सेम टू सेम वही है। अब इसको यहाँ से आपको है वो इमेज को बर्न करना चाहते हो तो पेन ड्राइव में इमेज को कर लेना, जिससे आपके पेन ड्राइव में वो ब्यूटेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा का पूरा विंडो है वो आपके सामने है। तो ऐसे बहुत सिंपल आसान तरीके से आप खुद है वो इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप विंडो 7 है वो आराम से है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, बस आपके पास नेट होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।